नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर अपूर्वा पवार है और मैं गाज़ियाबाद पटेल नगर फर्स्ट में प्रैक्टिस करती हूँ। मैं एक डेंटिस्ट हूँ। नव भारत टाइम्स के चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम आपको बताने वाले हैं कि आपकी अगर डेंटल सर्जरी हुई हो तो आपको क्या खाना है और क्या नहीं खाना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बेसिक सर्जरीज़ के बारे में बात कर सकते हैं, जैसे कि डेंटल एक्सट्रैक्शन में अगर कई बार दांत नहीं निकलता है तो उसमें भी सर्जरी की जाती है, गम्स की भी सर्जरी होती है। तो ये बहुत बेसिक सी सर्जरीज़ हैं जो डेंटल सर्जरी में आ सकती हैं। तो हमें क्या करना होता है, सबसे पहले जब सर्जरी होती है तो हमें पैक लगाया जाता है डॉक्टर के द्वारा, जो कि हमें पैक को जैसे पट्टी होती है ऐसे मुंह में एक पैक लगाया जाता है, वो हमें पैक लगाना है। वो 30-45 मिनट्स के लिए मुँह में रखना होता है जिससे कि हमारा जो ब्लीडिंग हुई है वो रुक जाए। उसके बाद वो पैक जो डॉक्टर आपको करके भेजते हैं आपको वो 30-45 मिनट्स बाद निकाल देना है। उसको निकालने के बाद आपको क्या करना है, कुछ ठंडा खाना है, जैसे कि आइसक्रीम खा सकते हैं आप। आइसक्रीम इसलिए कि वो आपको क्लॉटिंग में हेल्प करेगा। आइसक्रीम नहीं खा सकते हैं तो जूस पी लीजिए, कुछ भी ठंडा खा लीजिए जिससे कि आपका क्लॉटिंग जल्दी से जल्दी इनिशिएट हो जाए। उसके बाद क्या करना है आपको, जो आपको डोज दी गई है डॉक्टर के द्वारा वो आपको खानी है, जो भी फर्स्ट मेडिसिन आपकी है, जिससे कि आपको LA जब दिया गया था और दर्द हो रहा था तो उसका असर फेड ऑफ होने से पहले पहले आप दवाई खा लें, जिसकी वजह से आपका दर्द नहीं हो और आपका इनिशियली दवाई का असर शुरू हो जाए। तो ये सब आपको पहले पहले में करना है। आपको खाने जो ना खाना है वो पहले हम बताते हैं, क्या चीज़ नहीं खानी है। आपको कोई भी हार्ड सब्सटेंस नहीं खाना है, आपको ऐसी कोई चीज़ नहीं खानी है जो आपको इरिटेट करे या बार बार उस जगह पे लगे जहाँ पे आपकी सर्जरी हुई है, वो सब चीज़ें आपको नहीं करनी है। आपको बहुत ज़ोर की थूकना नहीं है, बहुत ज़ोर की खांसना नहीं है, बहुत ज़ोर की आपको छींकना नहीं है, इसलिए क्योंकि अगर वो आप करेंगे तो आपके मुँह में एक प्रेशर बनेगा जिसकी वजह से जो कि क्लॉट बना था ब्लड का वो निकल जाएगा। तो ये सब चीज़ें आपको नहीं करनी है। थूकना भी अगर है तो बहुत ही स्लोली आपको थूकना होगा। ये सब चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। अब क्या खाना है, ये चीज़ें हमें ये ध्यान रखनी है कि जैसे ही हम एक्सट्रैक्शन होती है उसके तुरंत बाद या सर्जरी होती है उसके तुरंत बाद तो हम कुछ नहीं खा सकते, तो हम क्या कर सकते हैं, कुछ लिक्विड डाइट ले लें। उसमें लिक्विड डाइट में आप कुछ भी ठंडा जूस ले सकते हैं या फिर पतला सा दलिया ले सकते हैं, खिचड़ी ले सकते हैं, फ्रूट का पल्प ले सकते हैं, कुछ भी लेना है लेकिन बिल्कुल ही ठंडा। ऐसी चीज़ कुछ भी बनाएं जो कि सोलो करनी हो, चबाने लायक तो नहीं रहेगा उस टाइम पे आपका पोजीशन, तो ऐसा कुछ खाएं जो आप सिर्फ सोलो कर सकें। तो ऐसा कुछ भी खाएं, सिर्फ मुँह में डालना है, सोलो करना है, कोई च्यूएबल नहीं और सिर्फ ठंडा। ठंडा इसलिए कि ब्लड क्लॉट बना रहना चाहिए। उसके बाद बार बार आपको ऐसा कुछ नहीं करना है कि जो आपकी उस जगह को इरिटेट करता रहे। तो इन सब चीज़ों का आपको बेसिक ध्यान रखना है। गर्म खाना नहीं खाना है आपको, ये सब चीज़ों का ऐसे ही ध्यान रखा जाएगा। फिर आपको क्या करना है, ओरल हाइजीन का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। ओरल हाइजीन जैसे कि जब आपने एक्सट्रैक्शन कराई है वहाँ पर सफाई कैसे रखी जाए। सफाई में ये है कि आप माउथ वॉश आपको डॉक्टर मोस्टली प्रिस्क्राइब करते हैं तो माउथ वॉश का यूज़ करिए, वो सब चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। फिर जो लोग स्मोकिंग करते हैं, अल्कोहल कंजम्पशन करते हैं, टोबैको लेते हैं, वो सब चीज़ें आपको अवॉइड करनी है। तो हम स्टेप वाइज एक बार कर सकते हैं कि हमें ठंडा खाना है, सॉफ्ट खाना है, हमें हार्ड इरिटेटिंग चीज़ें नहीं खानी है। फिर दवाइयाँ चल रही होती हैं तो हमें ऐसा कुछ नहीं खाना है जो कि हमें एसिडिटी बनाए या गैस बनाए। बहुत लाइट फूड खाएं, फॉर एक हफ्ते तक आपको ध्यान रखना है कि हल्का खाना खाएं और न्यूट्रिशियस और फाइब्रस, मतलब पोषक खाना, विटामिन से भरा हुआ खाना, विटामिन सी वाले फल खाने हैं आपको, ये सब चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। और सबसे ज़्यादा चीज़ का जो ध्यान रखना है वो है ओरल हाइजीन। बाकी आप अपने मुंह का ध्यान रखिए और ओरल हाइजीन मेंटेन करिए। कोई परेशानी है तो डेंटिस्ट से मिलिए। और इन्फॉर्मेशन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर कीजिए। थैंक यू।